ईडी ने साहिबगंज एसपी नौशाद आलम को तीसरा समन भेजकर पूछताछ के लिए 6 दिसंबर को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया है। इससे पहले ईडी ने 28 नवंबर को 12 घंटे से अधिक नौशाद आलम से पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें दूसरे दिन संपत्ति से संबंधित दस्तावेज के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। एसपी नौशाद ने इतनी जल्दी दस्तावेज जुटाने में असमर्थता जताते हुए समय की मांग की थी। ईडी ने इसे स्वीकार करते हुए फिलहाल एक सप्ताह का समय दिया है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ के दौरान उन्होंने एजेंसी को कोई खास सहयोग नहीं किया था। 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन के मुख्य गवाह विजय हांसदा समेत अन्य गवाहों को प्रभावित करने के मामले में साहिबगंज एसपी नौशाद आलम से पूछताछ के बाद ईडी अब अन्य पुलिसकर्मियों का भी बयान दर्ज करेगी। और सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस मुद्दे पर, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए ये संभावित था, ये आसार थे कि जिस तरह से उन्होंने गोलमटोल जवाब दिया था, बहुत सारे सवाल थे ईडी के जिनका जवाब नौशाद आलम दे नहीं पाए थे। साथ ही साथ संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा गया था, तो उन्होंने कहा था कि इतनी जल्दी दस्तावेज तैयार नहीं हो सकते, तो समय की मांग की गई थी। तो अब ये समय मिल गया है, तीसरा समन जारी कर दिया गया है, 6 दिसंबर को अब अगली हाजिरी लगानी होगी नौशाद आलम को ईडी दफ्तर में। जी बिल्कुल, देखिए साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ की अवैध खनन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर जिस तरह से ईडी लगातार जांच और कार्रवाई कर रही है, बीते साल 2022 से ही इस पूरे मामले गिरफ्तारी भी, और वो पीएमएलए की विशेष अदालत में गवाही के स्टेज पर सुनवाई चल रही है। जो मामले के जो शिकायतकर्ता है विजय हांसदा और जो मुख्य गवाह भी है, वो स्टाइल हो गए, जब गवाह के लिए गवाही के लिए जब वो अदालत में पहुंचे थे तो वो अपने बयान से वो मुकर गए। इसके बाद से ही लगातार जो है ईडी एक बार फ्रेश हुई, हांसदा जो मुख्य गवाह है वो हो स्टाइल क्यों हुआ, काहे हुआ, किन परिस्थिति में हुआ, जब इसकी पूरी तरह तक जांच हुई तो इसमें यह बात का खुलासा हुआ, यह बात पता चला ईडी को को प्रभावित किया गया है, दबाव बनाया गया है और उसके बाद वो हेयर स्टाइल हुआ है। तो इसके ये पता चला कि साहिबगंज के नौशाद आलम जो है वो उन्होंने जो है दबाव बना चीजें, जब जानकारी मिली ईडी को तब ईडी ने समन जारी कर 12 से 14 घंटा तक ईडी ने नौशाद आलम से पूछताछ की। पूछताछ में कई बार उनसे सवाल किया, पहला अवैध खनन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गवाह पर दबाव बनाने, गवाह पर प्रभावित करने को लेकर हुई तो ज्यादा पाया। इसके रजित करने से आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही दीपक, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे जुड़ने की। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए अब साहिबगंज एसपी को 6 दिसंबर को समन भेजा गया, 6 दिसंबर के लिए समन भेजा गया, 6 दिसंबर को उन्हें ईडी दफ्तर में अब हाजिरी लगानी है, संपत्ति का ब्यौरा साथ ही कई दस्तावेज जो वो उन्होंने इसके लिए वक्त मांगा था और इसके लिए वक्त दिया गया उन्हें, और अब 6 दिसंबर को वो हाजिरी लगाएंगे यहां ईडी दफ्तर में, जब उनसे दोबारा सवाल जवाब होगा। ये तीसरा समन है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।